राम राम सभी साथियों को, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर पालिका भर्ती जोर शोर से आपका जो बातें चल रही हैं, इधर की उधर हो रही हैं, तो आप लोगों के डाउट रहते हैं कि बोले सर, आप जब तक एमडी सर वीडियो नहीं बनाते हैं तो हमारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसी के चलते काफी यूट्यूब वालों ने कल का एक जो है हमारा ये वायरल हो रहा था, ये वहां से था। काफी लोगों ने बहुत कुछ बताया इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको कल भी वीडियो में कहा था कि ये आपके किसी पेमेंट वेमेंट काटने का आपका कोई मुद्दा नहीं है। ये लेटर पहले भी 4-5 बार जारी हो चुका है और ये लेटर उनके लिए है जो सफाई कर्मचारी तो लगे हैं लेकिन वो सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, वो अन्य विभागों में जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये लेटर जारी हुआ था, ना कि आंदोलन करने वालों के खातिर। लेकिन YouTube वालों को तो बस कोई मिल जाए अपडेट और उनको ढंग से पढ़ा भी नहीं, उन्होंने छाप दिया वीडियो में, बस ऐसे बोल दिया कि भाई ये था। मेरे भाई, ये उनके लिए आदेश था जो कि लगे हुए हैं लेकिन काम कहीं और ही कर रहे हैं, उनके लिए था कि उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर जनवरी के बाद उन्होंने सफाई का काम नहीं किया तो। अब मेरे भाई यहां पे आ जाइए। सबसे पहले आज की जो अखबार की कटिंग है वो यहां पे मैं आपको दो कटिंग दिखाता हूं, क्या खबर अभी चल रही है। जिले में दूसरे विभागों में काम कर रहे 84 सफाई कर्मचारियों को अब मूल काम नहीं करने पर कटेगा वेतन, ठीक है। जिले की नगर परिषदों व पालिकाओं में 84 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका, ये बात कर रहा है चूरू जिले का अखबार की कटिंग है, चूरू की बात कर रहा है, काम कर रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसे कर्मचारियों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। विभाग निदेशक अन्य विभाग में काम कर रहे सफाई कर्मियों को उनके मूल काम पर लगाए जाने को ले आदेश जारी किए हैं और यहां पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर काम नहीं करेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा। 26 कर्मचारी भी एसटीएम ऑफिस लेकर नगर परिषद की अन्य शाखाओं और अन्य सरकारी महकमे में लगे हुए हैं, तो इनको यहां से हटाकर, और मेरे भाई सफाई का, जब सफाई कर्मी लगे हो तो सफाई का ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी वजह से ये वैकेंसी और अटक गई है, तुम काम वाम करते नहीं हो तो फिर इन लोगों को और प्रॉब्लम हो रही है जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई अभी भी मैं यही कहूंगा, ईमानदारी से सफाई की नौकरी अगर लग रहे हो तो सफाई का काम ही करना। सैकड़ों सफाई कर्मी में वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचे डीएलबी कार्यालय, निदेशक को सौंपा ज्ञापन। वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, कहा 3 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है, 3 दिन का अल्टीमेटम जो कल दिया, शानदार भीड़ रही वाल्मीकि समाज और गैर वाल्मीकि समाज, दोनों ही समाजों की अच्छी भीड़ वहां पे देखने को मिली और जो एकजुटता दिखाई है वास्तव में वो तारीफ के काबिल है। और ये देने के साथ कहा कि 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में भर्ती का नोटिस नहीं निकाला तो महा आंदोलन होगा और सभी साथियों को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। आप सभी साथी आंदोलन में जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। और प्यारे साथियों, आपकी भर्ती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी, अगर आप आंदोलन करते हैं या प्रेशर उनके पास बनी गया कि भाई 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर आप आंदोलन करते हैं तो सरकार को 5 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा फॉर्म लगवा के तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। इसी के साथ प्यारे साथियों, एक वैकेंसी और आई हुई है आप लोगों की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ये वीडियो मैंने अभी डाला है, वीडियो अगर आप नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 सफाई कर्मचारियों की भर्ती आई हुई है, जिसमें आपको 10वीं पास योग्यता है, 18 से 31 SC ST की एज है, 18 से 26 OB जो है जनरल की एज है, 18 से 29 जो है OBC की एज है। तो प्यारे साथियों, ये आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं 10वीं पास, इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम की तैयारी के लिए आप ड्रीम एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र 299 रुपए में कोर्स है और इस फॉर्म को आप 16 जनवरी से पहले पहले ही लगा सकते हैं और कोई अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी इस भर्ती के लिए। तो प्यारे साथियों, वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। भर्ती कब तक आएगी इस बारे में ज्यादा कॉल करके आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मत करो, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो डाल दिया है। आपकी भर्ती अभी इस जनवरी में आपका 100% में कह रहा हूं, 100% जनवरी में आपके इस भर्ती की सुनवाई हो जाएगी और आपकी भर्ती होके ही रहेगी। जो जिस भी साथी ने ये फॉर्म लगाना है 484 सफाई कर्मचारियों की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है, आप फॉर्म लगाइए और 484 पदों पे भर्ती है, आप लोग फॉर्म लगाइए। ऑल इंडिया से कहीं से भी है आप फॉर्म लगा सकते हैं, पुरुष हो या महिला हो, कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बस इसमें 10वीं पास होने चाहिए और पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम होगा और एग्जाम आपका 70 नंबर का होगा, जिसकी तैयारी हम ड्रीम एग्जाम ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।